गाइज वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और आज डिनर थोड़ा सा जल्दी बनने वाला है, क्यों वो भी बता देती हूँ। क्योंकि बाहर ना थोड़ी सी हवा चल रही है, थोड़ी सी मीन बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि लाइट जा सकती है, बारिश भी हो सकती है, और उसके बाद मेरा डिनर मतलब रह जाएगा बनाना। और आज ना कुछ स्पेशल डिनर बनने वाला है, तो वो क्यों बनने वाला है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, और क्या बनने वाला है वो तो आप किचन में जाके देख ही लोगे कि क्या बनने वाला है। बहुत ज़्यादा स्पेशल डिनर बनने वाला है। एक्चुअली काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं कि ये वाली रेसिपी ट्राई करूँ, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता था तो इसी वजह से डिले होती रहती थी ये रेसिपी। बट आज फाइनली सोचा कि ये रेसिपी ट्राई कर लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर लूँगी। और क्यों बनने वाली है तो वो तो आपको किचन में जाके ही बताती हूँ। तो चलिए फिर पहले किचन में चलते हैं और उसके बाद आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन सी रेसिपी बनने वाली है और क्यों बनने वाली है ये भी बता देती हूँ। तो गाइज़ आ गई मैं किचन में यहाँ पे, और यहाँ पर मैं छान रही हूँ मैदा। एक्चुअली मैदा इसलिए छान रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है तंदूरी मीन्स गार्लिक बटर नान। और हाँ, मैं फर्स्ट टाइम गार्लिक बटर नान घर पे बना रही हूँ, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ। इससे पहले तो कभी मैंने नान घर पे बनाई नहीं, इसी वजह से क्योंकि रेस्टोरेंट जाके खा लेते थे तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मतलब घर पे बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो अभी मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ घर पे, क्योंकि रेस्टोरेंट भी बंद है तो ऑप्शन नहीं है कुछ भी, और खाने का मन कर रहा है। और हाँ, यहाँ पर मैंने मैदा लिया था, उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया था 1 चम्मच क्या बोलते हैं नमक, और उसके बाद 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड किया था, और थोड़ा सा 2-3 चम्मच ऑयल ऐड किए थे, और उसके बाद मैंने ऐड किया है 1 कटोरी तक दही उसमें। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि ये सारी चीज़ें मैदे में मिक्स हो जाए। और मैं यहाँ पर गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ, मतलब गुनगुना पानी यूज़ कर रही हूँ, ठंडा पानी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और अच्छे से मिक्स करके ये जो आटा है वो गूंथ ले रही हूँ, और मेरा आटा जो है वो रेडी हो चुका था यहाँ पर, और मैंने इसे ना 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट होने दिया। तब जाके ये जो नान है वो बहुत अच्छे से फूली और बहुत अच्छी बनी थी, जैसे रेस्टोरेंट में जैसे हम लोग खाते हैं ना वैसी ही सेम टू सेम थी। तो बहुत अच्छी टेस्ट आई थी और बहुत अच्छे से लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारा रेडी करके रखा था, तो मैंने जीरा राइस बनाया था एक्चुअली तब तक, और यहाँ पर मेरा डो बन के रेडी था, और आप देख सकते हो यहाँ पर डो बन के रेडी था। फिर मैंने टोमेटो और प्याज के पेस्ट निकाल के रखी थी। यहाँ पर मैंने जो क्या बोलते हैं पनीर जो है वो ग्रेट करके रखा था, आलू बॉयल करके रखे थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने तब तक की। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मतलब ब्रेड, तो यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है क्योंकि मेरे घर पे ब्राउन ब्रेड थे। तो आपके घर पे अगर ब्राउन ब्रेड है तो आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हो, अदरवाइज़ आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड 3 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस जो है वो पीछे का हिस्सा मतलब जो लास्ट के कॉर्नर के हिस्सा है वो कट कर लिया है, कॉर्नर कट कर लिया है, और जो बीच का हिस्सा है उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसे क्रश कर लिया है अच्छे से, और मतलब उसका जो वो है पेस्ट जैसा बना लिया है उसका। ज़्यादा ये नहीं डालना है आपको, जैसे आटे जैसे नहीं गूँधते हैं वैसे ही थोड़ा सा उसमें दूध डाल के वो कर लेना है आपको, आटे जैसा उसे गूँध लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर 3 से 4 जो है आलू ले रही हूँ, मतलब जो क्या बोलते हैं बॉईल किए हुए आलू, और उसे ना अच्छे से कद्दूकस कर रही हूँ, जो कद्दूकसनी है उससे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मतलब जो हमारे ब्रेड है ब्रेड के स्लाइस का जो गूदा बनाया था हमने उसको और आलू को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से एक साथ मिल जाए। और बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपको। यहाँ पर मैं काली मिर्च जो है वो कूट रही हूँ क्योंकि मैं काली मिर्च का पाउडर बना के नहीं रखती हूँ, उसकी टेस्ट चली जाती है इसी वजह
से काली मिर्च का पाउडर मैं जब भी चाहिए होता है वो ताज़ा ताज़ा बनाती हूँ। और यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर बनाया है, एक चम्मच डाला है काली मिर्च, उसके बाद अदरक ग्रेट करके डाला है, और मतलब थोड़ा सा एक चम्मच तक अदरक ग्रेट करके डाल देना है आपको। और उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्च कूट के रखी थी, दो से तीन हरी मिर्च कूट के रखी थी, तो यहाँ पर वो भी डाल दी उसमें। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है आपको, जितना तीखा चाहिए उतना। और उसके बाद मैंने आधा चम्मच नमक भी डाल दिया है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर, तो कॉर्नफ्लावर दो चम्मच यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, दो से तीन चम्मच। तो आपको जैसे ये बाइंडिंग बन जाए इसकी तब तक आपको इसमें यूज़ करना है। और उसके बाद उसे आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जब आप ये कोफ्ते बनाओगे ना इसके, तो ये तेल में डालने के बाद खुले ना, इसी वजह से हमें इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ करना होता है। आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो ऑप्शनल है, मैदा भी यूज़ कर सकते हो। और अच्छे से थोड़ा सा तेल लगा के ना अच्छे से गूंद लेना है ये वाले आटे को। तो यहाँ पर मेरा आटा रेडी हो चुका था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड किया और अच्छे से मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। तो बस यहाँ पर मेरा जो आउटर कवर है वो रेडी हो चुका था। अब इनर जो है स्टफिंग हमारी, उसके लिए हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रेट करके रखा था पनीर, उसके बाद मैंने उसमें ऐड किए हैं काजू के पीसेस, मतलब काजू और किशमिश, और जो नारियल ग्रेट किया हुआ है वो है। तो ये सारी चीज़ें ऐड की है, और ये ना थोड़ी सी कूट लेनी है आपको, जैसे काजू किशमिश और जो ये तो ग्रेट किया हुआ ही होता है, तो वो थोड़ा सा डाल देना है आपको उसमें। और थोड़ी सी हल्दी डालनी है और थोड़ा सा नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, आधे चम्मच नमक डालना है। और उसके बाद आपको इसे अच्छे से गूंद लेना है, मतलब मिक्स कर लेना है, जब तक ये गोले ना बन जाए आपके इसके, तो तब तक आपको गूंद लेना है। और जो हमने साइड नहीं निकाल के रखे थे उसके ब्रेड के, तो वो स्लाइस भी, मतलब साइड भी हमें काम आएंगे बाद में, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि क्या करना है उसका। तो पहले ना इसके सारे गोले बना लूँगी, जिसके मतलब जो आलू के उसके गोले बना लूँगी, और यहाँ पर भी छोटे छोटे गोले इसके भी बना लूँगी स्टफिंग के। तो इस तरह से गोले बना के, एक टिक्की बना के उसमें हमें स्टफ़ करना है ऐसे, इस तरह से। और उसके बाद राउंड राउंड करके थोड़ा सा ओवल शेप देके हमें यहाँ पर कोफ्ते बना लेने हैं। इसी तरह से सारे कोफ्ते हमें बना लेने हैं। और यहाँ पर प्लेट में मैंने ऑयल रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पानी यूज़ कर रही हूँ, कि नहीं पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ, ऑयल है वो। और ऑयल लेना है आपको, ऑयल का ही हाथ लेना है हमेशा आपको, जब भी आप कोफ्ते बनाओगे ऑयल का हाथ लेके ही बनाना है, नहीं तो वो चिपकने लगेंगे हाथ को, क्योंकि आलू की जो वो होता है, आलू होता है, तो वो चिपकने लगता है हाथों को। तो इसी वजह से आपको तेल का हाथ लेके ही सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद कॉर्नफ्लावर लेके उसको डिप करना है कॉर्नफ्लावर में, और फिर फ्राई करना है। और आप जब भी ऑयल लोगे ना, थोड़ा सा कम लेना है ऑयल आपको कढ़ाई में, नहीं तो ये पूरा ऑयल ख़राब हो जाएगा। जैसे हम लोग कॉर्नफ्लावर लगाते हैं ना, ये क्या बोलते हैं कोफ्तों को, तो जो कॉर्नफ्लावर है वो छोड़ने लगता है ऑयल में, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा ऑयल कम लेना है, ताकि ये आपका ऑयल ख़राब ना हो। आप इसमें यूज़ कर सकते हो सब्ज़ी में ये ऑयल, मतलब जब बाद में ग्रेवी बनाओगे उसमें यूज़ कर सकते हो ये वाला ऑयल। बट मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा था साइड में, थोड़ा सा दूसरा ऑयल यूज़ किया था, बट जब मुझे थोड़ा सा कम लगा उसमें, तो ये वाला ऑयल मैंने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कोफ्ते फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि सभी साइड से कोफ्ते अच्छे से पक जाने चाहिए, मतलब ब्राउन कलर अच्छे से आ जाना चाहिए उसका। तो इसी वजह से मैं सभी साइड से पलटाती जा रही थी कोफ्तों को, और अच्छे से वो ब्राउन हो चुके हैं, क्योंकि इसे अंदर तक पकने नहीं देना होता है, क्योंकि अंदर का जो स्टफिंग है हमारा पका हुआ ही होता है, तो और ऊपर का भी जो हमारा ये है आलू है वो भी पका हुआ होता है, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा पकने के लिए टाइम नहीं देना होता है, तो वैसे ही सिर्फ फ्राई करना होता है उसे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, उसके बाद उसमें खड़े मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि तेज पत्ता, लौंग, इलायची और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड की है। और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है प्याज का पेस्ट, और प्याज का पेस्ट अच्छे से होने दिया था। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया था लहसुन अदरक का पेस्ट, और वो भी अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद उसमें ऐड किया था टोमेटो का पेस्ट, और टोमेटो का पेस्ट भी आपको अच्छे से भून लेना है, ताकि ये तेल छोड़ने लगे। और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है मलाई, जो हमारी ताज़ी मलाई नहीं होती है घर की, वो मलाई उसमें ऐड की है। और उसके बाद उसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है, जो एवरेस्ट का गरम मसाला है वो ऐड किया है। उसके बाद सारे मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर, और क्या बोलते हैं धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड की है। और अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको सारी चीज़ों को, और उसमें जब तक तेल नहीं छोड़ता है आपका मसाला, तब तक मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने ये जो ऐड किया है, वो जो ब्रेड के स्लाइस हमने निकाल के रखे थे, मतलब स्लाइस बोल रही हूँ, हमने किनारे निकाल
डाल के रखे थे वो मैंने मिक्सी में पानी डाल के पीस लिए थे, तो वो भी मैंने उसमें ऐड किए हैं और अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा नमक डाल के, नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, और फिर उसके अंदर पानी डाल के थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको, और ये ना पकने देना है आपको अच्छे से। और उसके बाद जो थोड़ी सी स्टफिंग बची थी मेरे पास, जो मैंने जो पनीर की बनाई थी वो स्टफिंग भी थोड़ी सी बची थी, तो वो भी मैंने उसमें ऐड की और अच्छे से इसे चला लिया। मतलब तेल छोड़ने तक मसाला आपको अच्छे से चला लेना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसे होने दे रही हूँ, मतलब यहाँ पर पक रहा है हमारा मसाला, ग्रेवी पक रही है। तब तक मैं नान बना लूँगी, और नान बनाने के लिए मैंने पहले तवा रखा है गैस पे, और उसके बाद यहाँ पर जो डो बना के रखा था वो अच्छे से गूंद लिया था। उसके बाद इस तरह से थोड़ी सी लोई लेके मैं इसे अच्छे से बेल लूँगी, और ये गार्लिक बटर नान बन रही है। इसके लिए गार्लिक भी लगेगा, तो मैंने यहाँ पर गार्लिक जो है वो दरदरा सा कूट लिया था, तो वो मैंने यहाँ पर नान बेल ली है लोई लेके, और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है गार्लिक। और यहाँ पर गार्लिक चिपकना चाहिए ऐसे ऐड करना है आपको सारी पूरी बटर नान में। और उसके बाद धनिया पत्ता ऐड कर देना है आपको अच्छे से, और पलटा के ना अच्छे से दबा लेना है ताकि ये गार्लिक और जो धनिया पत्ता है हमारा वो अच्छे से उसमें क्या बोलते हैं मिक्स हो जाए, दब जाए। और उसके बाद पलटा के उसके ऊपर पानी लगा देना है, ताकि पानी जैसे आप ज़्यादा लगाओगे ना, मतलब ज़्यादा पानी लगाना है। पानी लगाने से क्या होता है कि हमारी जो नान है वो अच्छे से चिपक जाती है तवे को, और उसके बाद जब हम लोग उसे उल्टा करेंगे और जब हम लोग इसे गैस पे सेकेंगे तो ये निकलेगी नहीं, चिपकी रहेगी। तो इसीलिए अच्छे से इसे पानी लगाना है और ये चिपकी रहेगी, और यहाँ पर इस तरह से हमें गैस पर इसे सेक लेना है। तो आपको ध्यान से सेकना है, यहाँ पर इस तरह से सेकना है, मतलब राउंड राउंड करके सेकते रहना है, ताकि आपकी जो नान है वो अच्छे से सारी तरफ से सेक जाए। और यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत अच्छे से सीख गई थी, और मैंने ना घुमाते घुमाते जा रही थी, अच्छे से उसे तवे को घुमाते जाना है ताकि ये सारी साइड से अच्छे से पक जाए। और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी जो नान है वो रेस्टोरेंट जैसी बन के रेडी थी, और बस इस पर हमें बटर लगा देना है। और यहाँ पर हमारी जो प्लेट है वो रेडी हो चुकी थी, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यम्मी वाला डिनर बना था आज का, और रेस्टोरेंट जैसा, बिल्कुल दिखने में तो रेस्टोरेंट जैसा दिख ही रहा है, बट टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी थी। आप देख सकते हो नरगिसी कोफ्ते की भी टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी थी, और ये गार्लिक नान की भी टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट जैसी थी। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नान सारी बना के रखी थी ताकि मुझे ना बार बार उठने की ज़रूरत ना पड़े, तो यहाँ पर सारी नान बना के रखी है, और उसके बाद यहाँ पर प्लेट्स भी निकाल के रखी है। तो बस हम लोग डिनर कर लेंगे, और ना गाइस बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था डिनर, आपको क्या बताऊँ। मतलब एक बार ज़रूर ट्राई करना आप एक बार ये रेसिपी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। यहाँ पर हमारा डिनर हो चुका था और बस क्लीनिंग ही चल रही थी, मतलब किचन क्लीनिंग। और उसके बाद हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये स्पेशल वाला डिनर किस लिए बना था। वो ये स्पेशल डिनर बना था भाई और भाभी के लिए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों के बाद आया है यहाँ पे। ये ना लॉकडाउन से पहले ही वहाँ पर आ गया था मायके में मेरे, और क्या हुआ था कि जब इससे कोरोना स्टार्ट हो गया, तो ये आपको बताया है कि मैंने, ये पूना में रहता है एक्चुअली, पूना में ये इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर। और उसके बाद जब से कोरोना स्टार्ट हो गया ना, मतलब जब से कोरोना के पेशेंट वहाँ पर दिखने लगे बहुत ज़्यादा, तो इसे सेफ नहीं लगा था वहाँ पे, तो इसी वजह से ये दोनों भी यहाँ पर आ गए थे, मतलब मेरे मायके में। और फिर उसके बाद तो लॉकडाउन ही स्टार्ट हो गया, तो फिर उसके बाद ये आ नहीं पाए यहाँ पर मिलने के लिए मुझसे। या जो मेरी भाभी है उसका मायका भी यही है, जो मेरी सिटी है वो, तो इसी वजह से वो उसके मम्मी पापा से भी मिलने नहीं आ पाई। अभी तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, तो इसी वजह से वो बाहर ही नहीं निकलते थे, बट अभी उनको लगा कि थोड़ा सा माहौल ठीक हो रहा है, तो इसी वजह से ये आ गए थे। क्योंकि ना उसकी जो जॉब है पुणे में, तो उसे कभी भी वहाँ पर जाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा माहौल ठीक हो रहा है, तो सारी कंपनीज वगैरह ओपन हो रही है, तो इसी वजह से उसे लगा कि चलो मिल के आ जाते हैं। और वो ना वैसे नहीं आया था, परमिशन लेके आया है, मतलब सारी चीज़ें प्रोसीजर करके आया है, जैसे कि हॉस्पिटल में जाना होता है, सारी चीज़ें मतलब चेकअप वगैरह करनी होती है, उसके बाद परमिशन मिलती है आपको, तो वो सारी चीज़ें करके आया था वो, क्योंकि मिलना भी ज़रूरी था यहाँ पे। अगर वो चला जाता उधर के उधर, तो किसी से मिलना नहीं होता उसका, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें प्रोसीजर करके फिर परमिशन लेके यहाँ पे आया है। तो गाइज, आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि घर के लिए कितना खर्चा आया तो वो बताओ करके, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग साथ में बैठ के बताते हैं और साथ में आपको बताएंगे कि कितना खर्चा आया। तो स्टार्ट करें। तो क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोगों ने जब ये बनाना स्टार्ट किया, घर बनाना स्टार्ट किया,
तो उसके बाद ना हम लोगों ने एक डायरी बना के रखी थी, जो भी खर्चा आएगा उसमें लिख के रखेंगे। तो ऐसे करके हम लोगों ने डायरी बना के रखी थी, क्योंकि हम लोग कोई हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मिडिल क्लास फैमिली में इतना बड़ा घर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया कि एक डायरी बना के रखी थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो इसमें सारा खर्चा हम लोग लिख के रखेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने किया भी वैसे जैसे जैसे हम लोगों ने सोचा था वैसे हम लोगों ने किया भी। जब पहले स्टार्टिंग में जब प्लिंथ बनाई तो उसके बाद जो खर्चा आया वो सारा कुछ लिख के रखा, जो जो किया आधे तक हम लोगों ने लिख के रखा है ना, आधे तक बहुत दिनों तक। और इंजीनियर ने जो पास रखी थी उसके और ज्यादा, हाँ मतलब इंजीनियर ने जो बताया था हमें कि यार इतना इतना खर्चा आपके घर के लिए आएगा, तो वो पहले कम ही बताते हैं एक्चुअली। जिनका भी मतलब जिन्होंने भी घर बनाया है उनको ये आ गया होगा, एक्सपीरियंस आ गया होगा इसका, क्योंकि वो लोग पहले कम ही बताते हैं, उसके बाद वो बढ़ता जाता है खर्चा, क्योंकि हम लोगों को ऐसे वैसे तो चीजें पसंद आती नहीं है। तो वो लोग ना उनकी अकॉर्डिंग करते हैं कि जैसे टाइल्स थोड़ी सी सस्ती ले ली या कुछ मतलब थोड़ा सा कुछ कुछ मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलते हैं। बट हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग एक बार घर बनाते हैं सोचते हैं कि जो भी खर्चा है मतलब नल वाल या जो भी टाइल्स वाइल थोड़ा सा कॉस्टली ले ले तो भी चलेगा, तो लेकिन एक बार बिठाना है हमें, तो एक बार लगाना है तो थोड़ा सा कॉस्टली भी चल जाएगा, तो इसी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे आप समझ लो कि आपके घर के लिए इंजीनियर ने बताया है कि 40 लाख लगेगा, तो 50 लाख तो आराम से लग ही जाने वाला है आपको, मतलब 10 लाख तो आराम से ज्यादा बढ़ी जाने वाला है। तो इसी वजह से ऐसा हुआ था हमारे साथ। तो पहले हम लोगों ने किया, फिर खर्चा जैसे जैसे बढ़ता गया तो हम लोगों का टेंशन बढ़ता गया, उसके बाद हम लोगों ने लिखना बंद कर दिया। फिर क्या जो सेविंग लगी थी प्लॉट, हाँ तो जो सेविंग थी हमारी मतलब जैसे ये आर्मी में थे मैंने बताया था आपको, तो जब ये आर्मी में थे वहां पर तो कुछ इतना ये नहीं था, खर्चा वर्चा नहीं था, तो इसी वजह से हम लोगों की सेविंग बहुत ज्यादा होती थी वहां पे। तो क्या होता था कि हम लोगों ने वहां पर सेविंग की थी बहुत सारी, और यहाँ पर एक प्लॉट वगैरह लेके रखा था, ये प्लॉट तो पहले का ही था, ये प्लॉट इन्होंने पहले लेके रखा था शादी से पहले, बट जो प्लॉट हम लोगों ने लेके रखा था दूसरा वाला वो इस टाइम मतलब कंस्ट्रक्शन के टाइम हमें सेल करना पड़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पे लोन भी, होम लोन भी लिया है, तो होम लोन भी हमें लेना पड़ा। उसके बाद हमारी जो सेविंग्स थी वो भी पूरी चली गई, हाँ गोल्ड भी कुछ था तो वो भी चला गया, बाद में ले लिया वो अलग बात है, बाद में हम लोगों ने ले लिया, मतलब स्टार्टिंग में तो पहले मेरा सब कुछ चला गया इसमें, मतलब घर जब बनाया हमने उस टाइम मेरा सब कुछ चला गया, तो बाद में इन्होंने जो भी हमारा गया थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की। बट कैसा होता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, और ये ना पहले आर्मी में थे तो इस वजह से इनका जो बेनिफिट है वो डबल है यहाँ पे। आर्मी का जो पैसा था वो भी वहाँ पर जब रिटायरमेंट होती है तब भी आपको कुछ पैसा मिलता है, तो वहाँ पर जो सेविंग होती है इनकी मतलब फंड वगैरह होता है तो वो उसमें से जो पैसा हाँ, होती है हाँ, तो वो मिला के जब पेंशन आते है उस टाइम जो पूरा ग्रेजुएटी मिला के जो भी अमाउंट मिलता है तो वो भी हमने घर में ही लगा दिया, क्योंकि ना मेरा था कि मतलब मेरा भी और इनका भी घर बनाने का एक सपना था, सबका सपना होता है घर बनाने का, हम लोग कुछ भी करते हैं तो घर के लिए ही करते हैं, मतलब हम लोग जब से हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ सेविंग करनी है तो वो घर के लिए ही करते हैं हम लोग। जो होता है हमारा सपना एक घर का ही होता है सबका, मतलब कोई भी कपल हो सबका सपना एक घर का ही होता है, तो हमारा सपना हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा देख लिया था मतलब अभी हंसी नहीं, हम लोगों ने करके दिखाया वो थोड़ा सा बड़ा देख लिया था हम लोगों ने सपना कि नहीं यार थोड़ा सा बड़ा घर होना चाहिए यार, ऐसा ऐसा होना चाहिए घर में। फिर भी जो मैंने सोचा था ना वो इतना ज्यादा नहीं हुआ है, मतलब जो मेरे दिमाग में था जो प्लानिंग थी मेरे दिमाग में, बट अभी भी जो होम टूर मैंने इसी वजह से होम टूर नहीं कर रही थी मैं, तो अभी जो होम टूर हाँ, और भी जब जो मैंने सोचा है इसमें जो जो मुझे करना है मेरे घर के मतलब चेंजेस वगैरह करने हैं जो, तो अभी भी 10 लाख आगे लग सकते हैं। और भी जिन लोगों ने भी घर बनाए होंगे आप भी सोचोगे कि कितना भी घर में पैसा लगा वो कम ही है, तो इसी वजह से हम लोग सोचते हैं कि यार जितना भी पैसा लगाए वो कम है, बट बच्चों की मतलब बच्चों का भी खर्चा होता है, बच्चों की फीस होती है, ये सारी चीजें होती है, तो इसी वजह से हम लोग वो जो प्लानिंग है हमारी वो पोस्टपोन करते जा रहे हैं, तो वो होती जा रही है पोस्टपोन हमारी प्लानिंग। बट वो है कि एक दिन होगा, जो भी हमने ड्रीम देखा है वो कम्प्लीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, बट आप भी प्रे करिए हमारे लिए।
मिला जो मिला है जो हमारा, लेकिन है मतलब जो है हमारे पास उसमें हम लोग हैप्पी है। बट एक था ना कि मेरे दिमाग में जो कंस्ट्रक्शन का है कि एक यार ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, तो वो थोड़ा सा कम है इसमें। तो इसीलिए एक अगर बना वो चीज़ अगर हुई, मतलब जो मैंने सोचा है वो अगर किया मैंने घर में, तो एक होम टूर और होगा आपके लिए, तो उसका वेट करना और आप भी प्रे करना। तो वैसे ही था, और एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अभी मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ एग्जैक्ट अमाउंट आपको, क्योंकि बहुत सारा पैसा इसमें निकल गया है। जो जो आप, मैंने आपको बताया वो आप समझ लीजिए। होम लोन है, उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोगों ने गोल्ड दिया, उसके बाद प्लॉट दिया, और उसके बाद जो सेविंग थी बाकी की हमारी वो भी गई। तो ऐसे मिला के जो अमाउंट मिला था, वो जो अमाउंट टोटल अगर सोचा जाए तो 40-50 लाख रुपए पूरे चले गए। तो अगर टोटल अमाउंट बताया जाए तो मतलब ऐसे हम लोग सोचते हैं कि 50 तक तो लग ही गया होगा, इसे 50 लाख तो लग ही गया होगा। बट अगर आगे भी अगर लगाया जाए तो 10 लाख तक आगे भी लग सकता है, तो वो तो हम लोग बाद में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो अभी जल्दबाजी नहीं है हमें। बट जितना अमाउंट था वो हमने बता दिया, और आई होप आपको भी कुछ आइडिया आया होगा। तो चलिए फिर, अभी ये तो हो गया है टॉपिक, और उसके बाद मैं आपके नाम ले लेती हूँ अब, क्योंकि बॉस इनका काम हो गया है, अभी ये बोल रहे हैं मैं जाता हूँ। तो चलिए फिर, नाम लेने का टाइम आ गया और नाम ले लेती हूँ आपके एक एक करके। तो सबसे पहले बर्थडे विश करना है मुझे, तो बर्थडे विश एंड एनिवर्सरी विश कर देती हूँ। तो वर्षा चौहान की कल एनिवर्सरी है, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर। इस दिन आपके लिए सिर्फ एक ही विश करूंगी कि आपको सारी खुशियां मिले आपकी लाइफ में, और आप जो चाहो वो मिल जाए आपको। और भक्ति शिंदे ने रिक्वेस्ट की थी कि उनके सिस्टर का बर्थडे है, तो उनकी सिस्टर का नाम है श्रद्धा शिंदे अग्रवाल। तो हैप्पी बर्थडे डियर श्रद्धा, और आपको भी सारी खुशियां मिले आपकी लाइफ में, और आज के दिन आप जो चाहो आपको मिल जाए। तो यही मैं आपके बर्थडे के दिन आपके लिए प्रे करूंगी। और स्वानंदी का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डियर स्वानंदी, और आज के दिन आपके लिए भी यही प्रे करूंगी कि आपको सारी खुशियां मिले आपकी लाइफ में, और आप जो चाहो वो आपको आज के दिन मिल जाए। और अब नाम लेने का टाइम आ गया, जो मैं दो नाम लेती हूँ। तो सबसे पहला नाम है ललिता भानुशाली, और उनकी बेटी धनश्री भानुशाली, मतलब गुड्डी। और सेकेंड नाम है रम्या, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू, और आपको भी सारी खुशियां मिले डियर आपकी लाइफ में, और आप भी जो चाहो आपको मिल जाए। और हाँ, जिन जिन का नाम इस ब्लॉग में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप इस ब्लॉग पे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपका नाम लेने की ज़रूर कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोस, मेकअप वीडियोस इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है, तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ, जब भी आप सब्सक्राइब का रेड बटन दबाओगे ना, उसके बाद में एक बेल आइकॉन आएगा, उसको दबाना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा कि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और उससे आप सबसे पहले देख पाओगे। तो बाय।